नमस्कार दोस्तों, ये हिंदी साहित्य सुधा चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में सूरदास जी के पद भाग में से 9वें पद को व्याख्या के रूप में लेकर आए हैं और पद का शीर्षक है उधव जाओ तुम्हें हम जाने। तो आइए देर न करते हुए व्याख्या भाग की ओर चलते हैं। सूरदास जी कहते हैं उधव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पढ़े हो तुम हो बीच भुलाने। पहले हम प्रसंग समझते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल गांव को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, वियोग में गोपिकाएं पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो प्रभु उद्धव को संदेश देकर भेजते हैं कि जाकर के मेरी प्रिय गोपिकाओं से बोल देना कि तुम्हारे कन्हैया ने तुमको संदेश भेजा है। तो जब उद्धव संदेश बताते हैं और गोपिकाओं को योग साधना करने की बात करते हैं तो गोपिकाएं कहती हैं, वहीं से आपका यह पद शुरू होता है। क्या कहती हैं? उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव जी, आप यहां से चले जाइए, जाओ चले जाइए, तुम्हें ही हम जाने, हम तुमको जान गई हैं। हे उद्धव जी, आप यहाँ से चले जाइए, हम तुमको जान गई हैं या हम आपको जान गई हैं। श्याम तुम्हें हियाँ को नहीं पठायो, श्याम ने अर्थात मेरे प्रियतम श्याम ने तुम्हें अर्थात तुमको हियाँ अर्थात यहाँ गोकुल गांव को वृंदावन में नहीं पठायो, नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में ही अपना मार्ग भूल गए हो। बीच भुलाए, बीचों बीच से मार्ग बोलकर यहाँ भटक कर चले आए हो। क्या कहती है गोपिकाएं? हे उद्धव जी, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको जान गई हैं। श्याम ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में मार्ग भटक कर यहाँ चले आए हो। और ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लगाने। ब्रज की कोमल हृदय वाली नारियों से, नारी अर्थात स्त्रियों से, सो अर्थात से योग अर्थात योग साधना कहत हो, करने की बात करते हो। ब्रज की कोमल हृदय वाली स्त्रियों से योग साधना करने की बात करते हो, बात कहत न लजाने, बात कहते हुए न मरे, नहीं लजाने लज्जाई, तुमको ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आई, तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए थी। योग साधना की बात ब्रज की नारियों से कहते हुए तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, हे उद्धव जी, आप बड़े लोग हैं, राजाओं के यहाँ रहते हैं, महाराजाओं के यहाँ रहते हैं, लेकिन आप में विवेक नहीं है अर्थात सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, आप समझ नहीं सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते हैं। ऐसे भय अयाने, आप ऐसे मूर्ख हो गए हैं, अयाने अर्थात अज्ञानी अर्थात मूर्ख, आप ऐसी अज्ञानी बातें करते हैं, आप ऐसे अज्ञानी हो गए हैं। चलो आगे कहती हैं, हम सो कहीं लई हम सही गए। ए उद्धव जी, आपने जो योग साधना की बात हमसे कही है, हमसो अर्थात हमसे कही कही है, लही हम सही के, हम लोगों ने इसको सहन कर लिया। आपने जो योग साधना की बात हम लोगों से कही है अर्थात हम गोपिकाओं से कही है, इस बात को हम लोगों ने सह लिया है। जी अगुन ले ओ सयाने, आप अगर अपने आप को सयाने मानते हैं, अपने आप को चतुर मानते हैं, तो जी अगुन ले ओ, खुद ही क्यों नहीं योग साधना कर लेते हो, खुद ही योग साधना कर लो, अपने आप गुण लो अर्थात ग्रहण कर लो। जी गुण लो, तुम ही अपने आप क्यों नहीं ग्रहण कर लेते हो अर्थात तुम ही योग साधना क्यों नहीं कर लेते हो। कहां अबला कहां दशा दिगंबर, दिगंबर अर्थात मेरा कालीश्वर, अबला अर्थात स्त्री। गोपिकाएं कहती हैं, कहां हम अबला स्त्री और कहां दशा दिगंबर अर्थात वह निराकार ईश्वर और उसकी स्थिति, कहां कहां हम देखेंगे उसको। हम असहाय, हम अबला स्त्रियां उस निराकार ईश्वर को कदाप नहीं भूल पाएंगे। मस्त करो पहचाने, मस्त करो पहचाने, आप खुद ही इनको पहचानिए और आप खुद ही इनको जानिए। सांच कहो तुमको अपनी सो, फिर आगे कहती हैं कि कहां हम स्त्रियां, असहाय स्त्रियां, अबला नारियां, और कहां निराकार ईश्वर। उद्धव जी, आप ही इनकी पहचान करिए और आप ही योग साधना करिए, मस्त करो पहचाने, आप ही इनकी पहचान करिए। सांच कहो तुमको अपने सो, हे उद्धव जी, एक बात पूछ रही हूँ, पूछा की बात निदाने, एक बात और उसका निदान जानना चाहती हूँ, उसका हल जानना चाहती हूँ, निराकरण जानना चाहती हूँ।
सांस उस निराकरण के विषय में सत्य कहना, सांस कहो अर्थात सत्य कहना, तुमको अपनी सौ, तुमको हमारी सौगंध है। गुप्ताएं कहती हैं, हे उद्धव जी सत्य कहना, तुमको हमारी सौगंध है। बूझत बात निगाने, हम अंतिम बात जानना चाहती हैं। कौन सी अंतिम बात गुप्ताएं जानना चाहती हैं उद्धव जी से? तो बात कहती है आगे, पहले कहती है कि हे उद्धव जी आप सत्य कहिएगा, आप सत्य कहिएगा, आपको मेरी सौगंध है। हम अंतिम बात जानना चाहती हैं, अर्थात पूरे संदेश का निष्कर्ष जानना चाहती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोटकाएं कहती हैं, सूर श्याम जब तुम ही पठायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोटकाएं कहती हैं कि जब श्याम ने तुमको यहाँ पठायो अर्थात भेजा था, तब नए को मुस्काने, क्या वो तब तनिक बहुत मुस्काए थे? गोटकाएं यहीं पर कृष्ण के प्रेम का निष्कर्ष निकाल लेती हैं, क्योंकि श्याम ने जब उद्धव को भेजा था तो उद्धव जी रो रहे थे, श्याम भी रो रहे थे। तो रोते हुए कोई योग साधना की बात नहीं करेगा, रोते हुए कोई ये नहीं कहेगा कि हो वो काम हमको भूल जाओ। अर्थात गोपिकाएं कहती हैं कि मेरे प्रियतम हमको उतना ही प्रेम करते हैं, मेरे प्रभु मुझको उतना ही प्रेम करते हैं। तो आइए एक बार पूरा अर्थ समझते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी आप यहां से चले जाइए, हम आपको पहचान रही हैं, हम आपके विषय में जान रही हैं। आपको श्याम ने वृंदावन अर्थात गोकुल गांव को नहीं भेजा है, आप बीच में ही मार्ग भूल कर चले आए हैं, मार्ग भटक कर चले आए हैं और ब्रज की स्त्रियों से योग साधना की बात करते हैं। आपको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? आप बहुत बड़े लोग हैं, आप राजा महाराजाओं के यहाँ रहते हैं, इसलिए आप में विवेक नहीं है, सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, क्षमता नहीं है, आप ऐसे अज्ञानी हो गए हैं। अरे आपने योग साधना की बात हम असहाय स्त्रियों से कही, हम लोगों ने उसको सहन कर लिया, और यदि आप अपने आप को चतुर मानते हैं तो आप स्वयं ही योग साधना को ग्रहण कर लीजिए, अपने आप में धारण कर लीजिए। कहां हम असहाय स्त्रियां और कहां उस निराकार ईश्वर की अवस्था, उसकी स्थिति। हे उद्धव जी इसकी पहचान आप ही करिए, हम उसको नहीं पहचान पाएंगे। अंतिम बात कहती हूँ गोपिकाएं कि आपको सत्य कहती हूँ, आपको हमारी सौगंध है, आप पूरी बात का निष्कर्ष बताइए, आपके पूरे संदेश का निष्कर्ष जानना चाहती हूँ। क्या सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं क्या श्याम ने तुमको जब वहां से भेजा था तब वो मुस्करा रहे थे? ये हुआ आपका पूरा व्याख्या भाग। तो दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने वीडियो कैसा लगता है? यदि आपको वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कोई समस्या आती है तो उसको कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।